फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए दोस्तों, मकर राशि के लिए मैं टैरट कार्ड रीडिंग इस वीक के लिए लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं ये वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। गर्मी तो बेहद है, बे इंतहा है, आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं मकर राशि के जातकों के लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ। आपका नाम यदि मकर राशि के से शुरू होता है और या आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि के हैं तो इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ अ यूनिवर्सल रीडिंग दोस्तों, और प्लीज़ यूनिवर्स को एक थैंक्स ज़रूर लिख दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है वो भी इस रीडिंग को देखना सुनना चाहें, उनको पसंद आई या उनके काम की निकली तो वो आपको भी दुआएँ देंगे। अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए। देखते हैं आपके लिए जो कार्ड्स निकल रहे हैं मकर राशि। आपका जो फर्स्ट कार्ड निकल रहा है वो है इंटीग्रेशन। क्या बात है मकर राशि, आप सबसे अलग थलग क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। आपका सेकंड कार्ड सोर्स, न्यू विजन, कंट्रोल और कॉन्शियसनेस। मकर राशि, आपके जो ये कार्ड्स निकले हैं, इन कार्ड से ये समझ में आ रहा है कि किसी बात को लेकर आप बहुत दुखी हैं। आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ में कुछ ऐसा नया हुआ है। आपके जो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आपको ये बात पता लगी है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को आप आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्ड्स यही कह रहे हैं, आपकी आत्मा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। इसीलिए आप अपने आप को बाकी सब लोगों से अलग थलग करके रख रहे हैं जानबूझकर। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपने यदि सबसे अपने आप को अलग थलग कर लिया तो आपके जो भी काम चल रहे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपने रेज, अपने गुस्से पर, अपनी फीलिंग्स पर या आपका जो भी चीज़ आपको बुरी लगी है उस बातों पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने आप को चेंज कीजिए, हर चीज़ को नए दृष्टिकोण से देखिए, न्यू विजन से देखिए। जो चीज़ आपके सामने ऐसे प्रेजेंट हुई है उसको ऐसे करके देखिए, उसको दूसरे तरीके से देखिए, दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो आपको नई नज़र आएगी। उसमें जो भी लूप होल्स हैं वो हो सकता है आपको समझ में आ जाएं कि एक्चुअली में दीज आर नॉट नो लूप होल्स, ऐसी कहीं कोई मिस्टेक नहीं आ रही है इन चीज़ों में, तो वो आपको उससे पता लग जाएगा। आप जॉब में हैं, प्रोजेक्ट संभाल रखा है आपने, उस प्रोजेक्ट में कोई ऐसा काम हो गया जो कि आपके कंट्रोल से बाहर निकल गया, तो बजाय कि उसको टोटली छोड़कर एक तरफ जाके बैठ जाइए, अलग थलग होके बैठ जाइए, ऐसा मत कीजिए। उसको, प्रोजेक्ट को एक नए तरीके से दोबारा से देखिए और उसमें अपना ईगो मत लेकर आइए। फिर से देखिए, हो सकता है आपके किसी साथी ने सुझाया हो कि इस प्रोजेक्ट को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, तो गो थ्रू दैट। उन्होंने जो सुझाया उस हिसाब से दोबारा से करके देखिए। आप बिजनेस में हैं तो भी कर सकते हैं।